Hello, friends. This is Shalish, and welcome back to our channel Code Library. If you're new know to the our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when will we upload our new videos. So, without wasting any time, let's start our video. तो आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस ये जब स्ट्रिंग मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के ताकि मैं डीपी में समझा पाऊँ आप लोगों को तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था चलो बता ही देता हूँ फाइनली तो आते हैं एल ठीक है ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है और बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ठीक है तो हमें क्या बोला क्वेश्चन में दो सिक्वेंस दिया है मतलब दो स्ट्रिंग दिया है बेसिकली और फाइनल लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब सिक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ अपर केस तो पहले बता दूं आप लोगों को सीक्वेंस क्या होता है पहले तो स्ट्रिंग क्या होता है स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ कोई भी स्ट्रिंग है ना उसका कोई भी स्ट्रिंग ले लो आप ठीक है वो हो गया सब ऐरे या फिर स्ट्रिंग आप जो ही बोलो ठीक है जैसे ए बी पकड़ लिया तो मैंने एक सबस्ट्रिंग हो गया बी सी डी पकड़ा तो एक सबस्ट्रिंग हुआ बट सब्सिक्वेंस ऐसा नहीं होता सबसिक्वेंस मैंने बताया आप लोगों को पहले भी क्या होता है ए लिया तो आप बी को बीच में छोड़ सकते हो आराम से फिर सी ले लो फिर डी को छोड़ सकते हो जी हो मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो सिंपल सा बात है कोई भी लो ना लो कोई भी पिक करो ना पिक करो सब सीक्वेंस हो जाता है चलो वो हटाओ अब बताते हैं क्वेश्चन में कैसे आपको लॉन्गेस्ट निकालना है ऐसे ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ था तो इसका लॉन्गेस्ट आया आपका ए डी एच ओके ए डी और एच वो दोनों में कॉमन है ठीक है और सीक्वेंस भी सेम आना चाहिए ये नहीं कि यहाँ पर ए है और इधर डी दिया रहा था यहाँ पर एच दिया रहा था ऐसा नहीं चलेगा सीक्वेंस भी सेम आना चाहिए दोनों का ठीक है इसलिए बोला है लॉन्गेस्ट कॉमन कॉमन बात की बात बोला गया है, ठीक? और बस ये कर देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे आपको। A -X -Y -T और यहां लेता हूं मैं A -Y -X. तो अपन क्या करेंगे सिंपल सा बात है हम लोग पहले लास्ट से शुरू करो या फर्स्ट से शुरू करो दोनों जगह से कर सकते हो मैं लास्ट से प्रेफर करता हूँ ठीक है तो आप लास्ट पे आओ पहले चेक करो क्या दोनों बराबर है अगर दोनों बराबर होगा तो ऑफकोर्स उसको हम लोग आंसर में ऐड करेंगे आराम से ठीक है ऐड करेंगे तो अपना क्या होगा आंसर वन प्लस हो जाएगा और दोनों को पीछे शिफ्ट कर देंगे मतलब रिकर्शन कहाँ भेजेंगे इसको पीछे भेजेंगे और इसको अभी ये बराबर नहीं आई थिंक ए बी सी ले लेते हैं और ए एक्सी ले लेते हैं देखिए अब तो बराबर है दोनों सी सी बराबर था हम लोग का तो वन प्लस करके इसको ही पीछे रिकर्शन में भेजा हमने और इसको ही पीछे रिकर्शन में भेजा ठीक है बट इस केस पे आते हैं जब ये बराबर नहीं रहता है t और x बराबर नहीं है तो अपन के पास क्या है अपने को क्या करना है dp बोला गया है क्वेश्चन में तो हम लोग को क्या करना है सारा सब सिक्वेंस देखना है मतलब सॉरी सारा पॉसिबल केसेस देखना है तो सारा पॉसिबल केस देखने के लिए क्या करना होगा ऑफकोर्स एक बार हम लोग इसको पीछे जाए लेके जाएंगे तो इसको वहीं पर रखेंगे ये स्ट्रिंग पे ठीक है सेकेंड टाइम इस वाले स्ट्रिंग को पीछे लेके जाएंगे रिकर्शन में तो इस देंगे बस सिंपल सा काम इतना ही करना है उससे क्या होगा समान लीजिए आप ऐसे ए बी सी पे आए तो अभी तो सी सी बराबर था तो दोनों पीछे गया अब बी और एक्स ये दोनों अनईक्वल है तो क्या होगा एक बार क्या करेंगे ये पीछे भेजें मतलब हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा ये ए पे पॉइंट करने लगेगा सिंपली और यहाँ पर क्या होगा बेसिकली एक्स पे ही पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा केस दूसरा केस क्या होगा हम लोग एक्स वाले को पीछे भेजेंगे मतलब यहाँ से पीछे भेजेंगे रिकर्शन में और यहाँ वही ये ये वाला पार्ट वहीं पर रहेगा मतलब क्या हो गया बेसिकली ये अभी पॉइंट कर रहा होगा बी वाले को और ये पॉइंट कर रहा होगा ए वाले को ठीक है एक्स से पीछे आ गए हम लोग बस अब इन दोनों में जो होगा मैक्सिमम और मतलब इन इसमें और इसमें इन दोनों केस में जो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग रिटर्न करते जाएंगे सिंपली तो आपको अगर मेमोइेशन दिखाता हूँ कैसे हो रहा है आपको समझ में आएगा अच्छे से तो पहला ये दिया हुआ है आपको ठीक है स्ट्रिंग दो दिया हुआ है वही जो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था ए एक्स वाई टी और ए वाई सेड एक्स तो ऑफकोर्स अभी टी हमारा बराबर नहीं है तो क्या मैंने बोला एक बार इसको पीछे भेजो और सेकेंड उसको पीछे भेजो तो जब इसको टी वाले को पीछे भेजते हैं मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग वाले को तो हमारा क्या होगा ए एक्स वाई और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा ठीक है अब सेकेंड क्या करेंगे ये वाले एक्स वाले को पीछे भेजेंगे ठीक है तो ये पहला वाला स्ट्रिंग वैसे का वैसे ही रह जाएगा और ये ए वाई सेड ये बेसिकली स्ट्रिंग हटा रहे मतलब क्या हो रहा है ना ये इस वाले को पॉइंट कर रहा है ठीक है ये इस वाले को पॉइंट कर रहा है सबका लास्ट वाला देखना है ठीके? ये वैसे ही रहेगा ठीक है यहाँ पर ये वैसे वैसे रहेगा और दूसरे वाले वाले को पीछे भेजो ठीक है यहाँ भी वही केस है टी वाई साइड बराबर नहीं है वैस पीछे गया एक्स वाई टी के पीछे भेजा और ये वैसे का वैसे ही रह गया टाइम ये वैसे वैसे ही रह गया और ये पीछे ए वाई हो जाएगा तो यहाँ मेमोइन के लिए आप लोग क्या देख सकते हो एक बार मैं इसको हटा दू कचड़ा हो जाता है बात हाँ तो मेमुशन कैसे आप देखोगे यहाँ देखो ये ए एक्स वाई और ए वाई जेड था यहाँ मेरे को फिर से एक मिला ए एक्स वाई और ए वाई जेड ठीक है तो जब आप ये रिकर्सन ट्री पे जाओगे तो जब इस वाले का आंसर आप निकाल लोगे तो ऑफकोर्स इसका फिर से क्यों निकालोगे इस वाले का आंसर को डीपी में स्टोर कर दोगे और जब ये वाला केस आएगा ये वाला तो फिर से हम लोग सिंपली आंसर नहीं निकालेंगे और डीपी वाले से आंसर लेके डाल देंगे सिंपली आंसर मतलब रिटर्न कर देंगे बेसिकली डीपी में तो स्टोर रहेगा हमारा आंसर वहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है यही था बस कहानी और यहाँ तो बेसिकली सेम मिला नहीं एक भी बट मैं आपको उसके लिए बता दूँ यहाँ तो बता ही दिया मैं जैसे ए बी सी है मान लो पूरा पूरा ही सेम मिल जाता ठीक है अभी बराबर है आराम से तो वन प्लस करके दोनों को पीछे भेजा बी को पॉइंट कर रहा दोनों फिर वन प्लस किया दोनों सेम है पीछे भेजा अब दोनों ए को पॉइंट कर रहा है फिर वन प्लस किया अब पीछे भेजा अब बेस के जरिए क्या होगा तो मैं पीछे से आई ट्रेड करूंगा ना तो ऑफकोर्स जब मेरा माइनस वन हो जाएगा कोई भी एक मान ली कोई भी एक माइनस वन हो गया ना मतलब जिसका मैं आई ट्रेट करूँगा आई ट्रेडर कोई भी एक माइनस वन हो गया मतलब एकदम स्टार्टिंग में पहुँच गया तो ऑफकोर्स अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं चेक कर पाएगा तो वहां से रिटर्न जीरो कर देंगे ठीक है तो ये बेस केस हो जाएगा तो कोड की तरफ चलते फटाफट तो इसमें हो जाता है अच्छा डी पी लिया मैंने टू डी डी पी ऑफकोर्स टू डी डी पी लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रिंग है और दोनों का हमको आई लेके चलना है स्ट्रिंग का ठीक है तो दो डी दो ले लिया टू डी सबको माइनस वन डाल दिया यहाँ पर और फंक्शन में क्या भेजा एक्स माइनस वन एक्स बेसिकली ये लेंथ है यहाँ पर ये लेंथ और ये वाई दूसरा स्ट्रिंग का लेंथ है एक्स माइनस वन वाई माइनस वन स्ट्रीक वाइस स्ट्रीक टू भेज दिया बेसकेस क्या है हमारा अगर x मेरा माइनस वन है या फिर y माइनस वन है इसका मतलब क्या होता है कोई भी एक पहुंच जा रहा है स्टार्टिंग में तब तो अब हम उसको क्या करेंगे अब तो मतलब अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएंगे तो सिंपली रिटर्न ज़ीरो कर देंगे ठीक है वहां से कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ये हो गया अपना मेमोरिशन वाला पार्ट कि डी पी ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन है डी पी ऑफ एक्स वाई ओके अब इफ ये वाला मेन केस है मैंने बताया था If S1 of X, मैंने बोला। एक, तो एक काउंटर बढ़ा दूंगा मुझे से दो, दोनों सेम मिला हुआ है तो वन प्लस और दोनों को बैक भेज एक एक पीछे भेजूंगा तो एक्स माइनस वन भेजा वाई माइनस वन भेजा ठीक है बस ये, ये भेजा अब सेकेंड केस क्या के है बराबर नहीं है बराबर नहीं है तो दो केस मैंने बोला एक बार एक्स को बढ़ाऊंगा पीछे जाऊंगा या वाई के पीछे जाऊंगा

एक्स इंटू वाई हो जाएगा ओ ऑफ क्योंकि एक्स आपका लेंथ हो गया और वाई आपका सस्टिंग तो का लेंथ हो गया ठीक है और टाइम का बात करें करो टाइम भी आपका ओ ऑफ एक्स इंटू वाई है क्योंकि आप बेसिकली अगर वर्ष में क्या होगा अगर दोनों पूरा पूरा डिफरेंट है ना तो वो पूरा इस तरह चलेगा देखिए मैंने हाथ देखिए ये आगे बढ़ा फिर आगे बढ़ा ये आगे बढ़ा ये आगे बढ़ा ये आगे बढ़ा है वर्ष में पूरा ओ ऑफ़ एक्स वाई चलेगा ठीक है तो टाइम भी ओ ऑफ एक्स वाई और स्पेस भी ओ ऑफ एक्स वाई टू डी पी लिया हूँ समझ गए आप लोग यहाँ देखते हैं आप क्वेश्चन सही भी हो रहा है एकदम परफेक्ट एकदम सोल्यूशन है तो इसका और एक अप्रोच ये तो आई थिंक मैंने बताया आपको टॉप डाउन अप्रोच ओके अगर आपको बॉट अगर आप एक बार आप क्या करिए खुद से बॉटम अप्रोच ट्राई करिए क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ और एक है यहाँ पर है एल नहीं ये नहीं ये वाला स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ऑफ एल ये बेसिकली वही क्वेश्चन है ठीक है जो ये एल मैंने बताया वो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर बट वो स्पेस ऑप्टिमाइज होगा गया है क्वेश्चन में मतलब ऐसे मैंने किया ना ये वाला टाइम तो टाइम तो वही लगेगा हम लोग का ओ ऑफ़ एक्स इन वाई बट स्पेस वहाँ पर ओ ऑफ वाई सिर्फ लगने वाला है ठीक है ओ ऑफ एक्स इन वाई नहीं लगेगा तो आई थिंक पहले आप जो उसका बॉटम अप्रोच है वो खुद से ट्राई करें अगर आप खुद से बना लेते हो वो बॉटम अप्रोच कमेंट में बताना कि आपने बॉटम अप्रोच खुद से बना लिया है तो मैं क्या करूँगा सिंपल उसका ये अगर आप वो बना लोगे तो मैं आई थिंक आप उसका ओ ऑफ भी बना लोगे अगर नहीं बना पाओगे तो आप कमेंट डाउन करना उस टाइम जब उसका चांस आएगा वो वाला क्वेश्चन का तो मैं बना दूंगा उसका ठीक है और आपको अगर बॉटम ऑफ अप्रोच भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो वही कमेंट कर बताना अगर आपको सिर्फ ये टॉप डाउन समझ में आया है तो कमेंट करके बताना तो मैं उसका ही बना दूंगा ठीक है साथ साथ मतलब जब मैं बनाऊंगा स्पेस ऑप्टिमाइज वाला तो बॉटम ऑफ अप्रोच भी बनाऊंगा और उसके साथ साथ क्योंकि उसी उसी से रिलेटेड पूरा है वो स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यशन ठीक है तो उस साथ ही बना दूंगा ठीक है तो बताना कमेंट में कैसा आपको लग रहा है क्या हो रहा है कुछ प्रॉब्लम है तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय